भारतीय जनता पार्टी का मुद्दों को तोड़ मरोड़कर और राजस्थान का माहौल खराब करना चाहती है। कोई भी अच्छा काम जब कांग्रेस पार्टी करती है तो उसमें कमियां निकालने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर मैंने इसीलिए कहा था भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि महात्मा गांधी के शब्द अंदर लिखे हुए हैं। सुनो ना, मैं वो मम्मी जी की पुरानी गोल्ड ज्वेलरी नहीं पहनना चाहती। क्यों ना हम तनिष्क ज्वेलर्स चले, जहां हमें पुरानी 22 कैरेट या ज्यादा की गोल्ड ज्वेलरी पर मिलेगी 100% एक्सचेंज वैल्यू। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स एट इंडिया मोटर सर्कल अजमेर, TNC अप्लाइड। और इसलिए मानते हैं गुरु, उन्होंने हमेशा धर्म और संस्कृति का रास्ता हमें दिखाया। उनका सम्मान, उनके अधिकार देने का काम कांग्रेस की सरकार का है, सबको अधिकार दिए गए। यदि कोई कमी है तो उसको ठीक करना हमको आता है, आप निश्चिंत रहिए। सबके अधिकार सुरक्षित रहेंगे। इस देश में पंडितों की अपनी भूमिका रही है। मैं खुद क्षत्रिय हूँ और हम क्षत्रिय तो बिना उनसे पूछे, बिना उनसे राय लिए कोई काम ही नहीं करते हैं। यहाँ तो देश की संस्कृति और धर्म के लिए काम ही वही करते हैं, तो उनका सम्मान तो हमेशा सुरक्षित है। दिल्ली में कांग्रेस GST में पेट्रोल डीजल को शामिल करने की मांग करती है, आपने भी मांग रखी थी कल, लेकिन आपके मंत्री जो है, देखिए ये केंद्र सरकार की एक बात समझ, भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र सरकार है उसको माफ नहीं करेगा भगवान। 22 लाख करोड़ रुपए GST के नाम पर कमा लिए। आप यहाँ पर आ जाओ, 2014 में सरदार मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तब क्रूड ऑयल महंगा था लेकिन पेट्रोल डीजल सस्ता था। क्यों? क्योंकि केंद्र ने GST कम लगा रखी। आज केंद्र ने इतनी ज्यादा GST बढ़ा दी, आपको पेट्रोल डीजल सस्ता करना है तो आप राज्यों से क्यों बात कर रहे हो? मनमोहन सिंह जी ने जितना टैक्स लगा रखा था पेट्रोल डीजल पे, उतना कर दो, अपने आप कम हो जाएगा। ये नाटकबाजी बीजेपी नहीं करे, बीजेपी राज्यों से क्यों डिस्कस कर रही है? बाकी GST लगाते हो, कम से डिस्कस की थी क्या? भारतीय जनता पार्टी ने जिस दिन GST लगाई उस दिन राज्यों को विश्वास में नहीं लिया। भारतीय जनता पार्टी घुमा फिरा कर राज्यों को बदनाम करने की कोशिश कर रही है पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर की महंगाई के लिए। केंद्र की मोदी सरकार जिम्मेदार है। यदि पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर पर ये अपना टैक्स कम कर दे, 22 लाख करोड़ रुपए इकट्ठे कर दिए, तो आज पेट्रोल डीजल सस्ता हो सकता है। इसलिए ये इधर उधर की बात बंद करें घुमा फिरा कर, और राज्यों के अधिकार वैसे ही खत्म कर दिए। ये तो राज्यों के ऊपर डालकर बात करना चाहती है। कांग्रेस के पास तो 3 स्टेट है, मना किसने किया? केंद्र ने पेट्रोल डीजल सस्ता करो, और मनमोहन सिंह जी के टाइम पर जितना टैक्स था उतना लगाओ, पेट्रोल डीजल सस्ता हो जाएगा। पास किया गया चाइल्ड मैरिज एक्ट को लेकर, उसको कई विवाद भी हो रहे, कई सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से। बने दिन अच्छा हो, लेकिन ऐसे सवाल क्यों हो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम, जब कल ही क्लियर कर दिया कि 18 वर्ष और 21 वर्ष मिनिमम एज है, उससे नीचे कोई बाल विवाह थोड़ा हम करवाना चाहते हैं। बाल विवाह के तो हम भी विरोधी हैं, पूरा देश विरोधी है। देश एक संविधान से चलता है। भारतीय जनता पार्टी का मुद्दों को तोड़ मरोड़कर और राजस्थान का माहौल खराब करना चाहती है। कोई भी अच्छा काम जब कांग्रेस पार्टी करती है तो उसमें कमियां निकालने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर मैंने इसीलिए कहा था भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि महात्मा गांधी के शब्द अंदर लिखे हुए हैं। या तो सदन में प्रवेश नहीं किया जाए, प्रवेश किया जाए तो चुप भी नहीं रह जाए, लेकिन सत्य बोला जाए। कोई असत्य बोलेगा तो उसको पाप लगेगा, तो पाप लगना तो बीजेपी वालों को तय है, चाहे वो कुछ भी कर ले। बार बार हमारे कानून मंत्री कह रहे हैं कि आप इसको पढ़ लो, हमारी नीति और नियत को समझ लो, इसके बावजूद सदन के अंदर झूठ बोलना, सदन के बाहर झूठ बोलना, ये भारतीय जनता पार्टी की आदत पड़ गई। मैं आज बीजेपी को खुली चुनौती देता हूं। आज हमें जितने दिन हुए, 2.5 साल से ज्यादा हमको हो गए, 2 साल 8 महीने या 9 महीने जो भी हमारा टाइम हुआ है, इतने टाइम में पिछली बीजेपी की सरकार ने कितने काम किए, हमने कितने किया, तो उस पर स्पष्ट हो जाए, डिस्कस हो जाए गहलोत सरकार ने क्या किया, या मोदी सरकार ने 1.5 वर्ष में 6.5 वर्षों में जो काम किए, या गहलोत सरकार ने अब तक जो काम किए, उनको तुलना कर लो। हमारी स्टेट वेलफेयर स्टेट है, जहां जन कल्याण और विकास को मुख्य आधार बनाया गया, उसी रास्ते पर हम चल रहे हैं। तभी तो चिरंजीवी बीमा योजना आती है, फ्री दवा और फ्री जांच योजना हम लेकर आते हैं, बुजुर्ग विकलांग विधवा पेंशन हम जारी करते हैं, किसानों को 1,000 रूपये की सहायता अलग से मिलती है। पहला राजस्थान ऐसा स्टेट है जहां एकल खिड़की योजना लागू की गई कि कोई भी नया काम शुरू करे तो 3 वर्ष तक उसको किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। कोरोना और ब्लैक फंगस का इलाज फ्री हुआ, पहला स्टेट बना पूरे देश में। तकलीफ यह है कि कोरोना में केंद्र सरकार तो फेल हो गई और राजस्थान की गहलोत सरकार नंबर 1 रही पूरे देश में मैनेजमेंट में।
इसलिए बीजेपी अब सदन के बाहर कुछ कर नहीं पाई। आज ये बीजेपी के जो जयपुर के लोग ये नाटक कर रहे हैं प्रदर्शन का, इनसे पूछो ड्राइवर्स तक कहां थे, एक भी आंदोलन क्यों नहीं किया, शोर की संख्या भी क्यों नहीं जुटा पाए, फेल क्यों हो गए? प्रशासन शहरों के संग अभियान हमेशा कांग्रेस लगाती है, पट्टे देती है, एक पट्टा बीजेपी ने नहीं किया। इसलिए बीजेपी कहती है जनता से जाकर पूछो, जिस गरीब को एक रुपए में स्टेट ग्रांट का पट्टा मिलता है उसकी आंख में चमक होती है, उसके आंसू बंद हो जाते हैं और पट्टे के लिए लाइनें लगी हुई है। लोग चाहते हैं हमें पट्टा मिले, परसों से लोगों को पट्टा नहीं मिला। वो अभियान हम चलाते हैं प्रशासन शहरों के संग, प्रशासन गांवों के संग अभियान। ये अभियान बीजेपी कभी नहीं चलाती। अभी बीजेपी के कई नेता पैदल निकले, पट्टे दो भाई, तुम्हारे राज में तुम क्या गट्टे खेल रहे थे, आपने पट्टा एक भी क्यों नहीं दिया राजस्थान की जनता को? ये कोई अभियान नहीं चलाते, इनका अभियान सीधा सा काम करेंगे नहीं, महंगाई से मुक्ति देंगे नहीं, रोजगार देंगे नहीं, और जब भी बात आएगी स्टेट के ऊपर डालने की कोशिश करेंगे। मैं इतना कह सकता हूं भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के अंदर ये जो सत्र रहा इसमें पूरी तरह फेल साबित हुई, गलत मुद्दों पर डिस्कस करते रहे, सदन की कार्रवाई बाधित करने की कोशिश की। वो पूरी कोशिश कर रही थी बीजेपी के सदन नहीं चले, क्योंकि बीजेपी के पास मुद्दे नहीं है, और कांग्रेस ने पूरे मन से सदन चलाने की कोशिश की। वो सदन हमने चलाया, हम राजस्थान की जनता का सम्मान करते हैं, काम करते हैं। आगे भी हमारा एक ही मकसद है कि राम राज्य यह समझाता है लोगों को, जन कल्याण और विकास, और उस राम राज्य का मॉडल लेकर गहलोत सरकार चल रही है और उस पर हम खड़े हैं।